दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टीम क्लासेस चैनल को और घंटे के निशान को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग द्रव रागी एवं द्रव स्नेही कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में अच्छी तरीके से जान जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर 5 है केमिस्ट्री का, उसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक है द्रव विरागी या द्रव स्नेही, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। और इस बार के सिलेबस में द्रव स्नेही कोलाइड दिया है, ठीक है, और पूछेगा भी एग्जाम में, ओके। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड एक ही है। अगर एग्जाम में आपसे द्रव रागी के बारे में पूछ दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने तो द्रव स्नेही कोलाइड पढ़ा है, ठीक है। द्रव रागी या द्रव स्नेही दोनों में से किसी की भी परिभाषा पूछ सकता है, आपको यही लिखना है, ओके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, द्रव स्नेही शब्द का अर्थ है विलायक स्नेही, ठीक है। द्रव स्नेही शब्द का अर्थ क्या होता है ये सबसे पहले जान जाइए, तो विलायक स्नेही, ओके। अतः ऐसे कोलाइडी सॉल जिन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा उचित परिक्षेपण माध्यम को संपर्क में लाने मात्र से प्राप्त किया जाता है, द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। कितना आसान है, इसमें बस ये कह रहा है कि ऐसे कोलाइडी सॉल जिन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा उचित परिक्षेपण माध्यम को संपर्क में लाने मात्र से, ठीक है, लाने मात्र से क्या होता है, इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, और यही द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। तो दोस्तों ये द्रव से समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए दोस्तों अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार उदाहरण पूछ देता है कि द्रव स्नेही कोलाइड की परिभाषा दीजिए उदाहरण से, तो ठीक है उदाहरण आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन, गोंद आदि इसके उदाहरण है। तो दोस्तों अभी तक हमने द्रव रागी या द्रव स्नेही क्लोराइड की परिभाषा देखी है, लेकिन अब हम आगे जो इसके आगे एक और टॉपिक है उसको देख लेते हैं, ठीक है। वो भी काफी महत्वपूर्ण है, उसकी परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड, ठीक है, कि द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड क्या होता है, तो इसे अब हम देखते हैं। ऐसे सॉल जो केवल पदार्थों को परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से नहीं बनते, ठीक है, केवल पदार्थों को परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से नहीं बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्रव विरागी कोलाइड कहिए या द्रव विरोधी कहिए, ठीक है। आगे देखिए कुछ विशेष हैं, इन्हें विशेष विधियों के प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से नहीं बनते हैं, बल्कि इन्हें विशेष विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, और ये अस्थायी नहीं होते हैं। जो द्रव विरागी कोलाइड होते हैं या द्रव विरोधी आप कह सकते हैं, ये अस्थाई नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, तो दोस्तों इसका उदाहरण हो जाएगा गोल्ड सॉल आदि, ठीक है, गोल्ड सॉल आदि। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।